नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। एसएसपी उधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने 6 इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया है, जिसके चलते थाना अध्यक्ष पंतनगर मनोज रतूड़ी को रुद्रपुर का कोतवाल बनाया गया है। बता दें कि वो पहले काशीपुर के कोतवाल रह चुके हैं, तो वहीं रुद्रपुर के कोतवाल मनोहर दसोनी को खटीमा का कोतवाल बनाया गया है। खटीमा के कोतवाल प्रकाश सिंह दानू को सितारगंज का कोतवाल बनाया गया है और सितारगंज के कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल को एसएसपी का पीआरओ बनाया गया है। इसके साथ ही किच्छा के कोतवाल सुंदरम शर्मा को पंतनगर का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एसएसपी के पीआरओ इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार को किच्छा का कोतवाल नियुक्त किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर वन पंचायत नियमावली अंतर्गत पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने एवं समय पर वन पंचायतों के चुनाव कराने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा निर्देश दिए गए, जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत को सरपंच वन पंचायत की जिम्मेदारी दी जा सकती है और वन पंचायत प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव वार्ड मेंबर के साथ कराया जा सकता है। बता दें कि वार्ड सदस्यों को सदस्य की जिम्मेदारी दिए जाने के बिंदु का परीक्षण करा लिया जाए, जिसके लिए मंत्री ने एक सप्ताह के अंदर यथोचित एवं संयत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट के संबंध में मुख्य परियोजना निदेशक जायका द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं अवगत कराया गया है कि टेरी के सहयोग से रानीखेत के समीप 28 वन पंचायतों में कार्रवाई प्रगति पर है। बहरहाल वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सुझाव दिया है कि संभावनाओं से परिपूर्ण विषय है, लेकिन विभाग को ठोस संकल्पना की आवश्यकता है। तो इस बैठक में प्रमुख सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक, प्रमुख सचिव न्याय निशांत वर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन और वित्तीय प्रबंधक अपर सचिवगण समेत वरिष्ठ वनाधिकारी उपस्थित रहे। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।